गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है केक बनाना, तो आइए बनाते हैं केक। केक बनाने के लिए ये हमने आधी छोटी कटोरी ऑयल लिया है और एक छोटी कटोरी हमने खांड ली है और एक बड़ी कटोरी हमने मैदा लिया है। तो आइए बनाते हैं केक। ये मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले इस बाउल में मैं ये ऑयल डालूंगी और साथ ही मैं ये खांड डाल दूंगी इसके अंदर और इसे मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। ये हमारे खांड ऑयल में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच दही डालूंगी, 1 चम्मच, और ये हमारी हो गई 2 चम्मच दही। दही हमने फ्रेश दही लेनी है और इसे फिर से अच्छे से बीट कर लूंगी मैं और इसे मैं अच्छे से बीट कर लिया है मैंने इसको। ये देखो कितने अच्छे से बीट हुआ है। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैंने ये एक छलनी ली है। अब ये 1 कटोरी मैदा है, इस छलनी के अंदर डाल दूंगी मैं। साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच में मीठा सोडा डाल रही हूं, 1 चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूं। मैं छान लूंगी। देखो जो गांठें थी वो निकल चुकी हैं। मैं मिक्स करूंगी। अगर आपको ये पेस्ट गाढ़ा लगे तो इसमें दूध डाल सकते हैं या पानी भी डाल सकते हैं। मुझे ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल दूंगी। ये मैंने 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने दूध डाल दिया है। इसे मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। और ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। इधर मैंने कढ़ाई के अंदर नमक को गर्म होने के लिए रख रखा है और ये मैंने केक बनाने का बर्तन लिया है। मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। इसके अंदर मैंने ऑयल को अच्छे से लगा दिया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर मैदा छिड़क दूंगी, सेट कर दूंगी थोड़ा सा। ये देखो कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसे इस चम्मच की मदद से ये पेस्ट इसमें डाल दूंगी। मैंने पेस्ट को सारे को इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ा सा हिला लूंगी मैं, सेट हो जाएगा ये। और इधर हमारी कढ़ाई का नमक गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये स्टैंड रख दूंगी। मैं स्टैंड को उल्टा करके रख रही हूँ और इस केक को मैं इसके अंदर रख दूंगी पकने के लिए। और अब मैं इसे ढक दूंगी। इसे मैं 30 से 35 मिनट तक स्लो गैस पे ही पकने दूंगी। तो हमारे केक को 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और देखने में कितना बढ़िया बना है। अब मैं एक चाकू की मदद से इसे देखूंगी और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और केक को मैं बाहर निकाल लूंगी। तो आइए इसे निकालते हैं। मैं एक कपड़े की मदद से इसे बाहर निकाल रही हूँ। इसे मैं ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूंगी। ये मैंने एक एप्पल लिया है। एप्पल को अब मैं इस एप्पल को 1/2 कट कर लूंगी। एप्पल को मैं छील लूंगी।
को मैंने छील लिया है और अब मैं इसके स्लाइस काट लूंगी बारीक बारीक। और इसे बीच में से निकाल दूंगी मैं। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है और 2 चम्मच मैंने चीनी ली है। ये बड़े वाले चम्मच मैंने 2 चीनी ली है। इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूं। मैंने टोटल 2 कटोरी पानी डाला है और चीनी को मैं मेल्ट होने दूंगी। जब तक हमारी ये चीनी मेल्ट होती है तक मैं ये केक को डब्बे से बाहर निकाल लेती हूँ। केक हमारा ठंडा हो चुका है। ये मैंने चक्कू की मदद से चारों तरफ घुमा लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा थपथपा दूंगी मैं इसे। ये देखो कितने अच्छे से केक बनकर तैयार हुआ है। और इधर हमारा पानी उबल चुका है, चीनी भी घुल चुकी है। अब इसी में एप्पल को पानी के अंदर डाल दूंगी चाशनी के अंदर और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं केक की साइड चेंज करूंगी और इसी में 2 पीस में कट कर लूंगी केक को। और इसे मैं कट कर लूंगी। ये हमारा केक कट हो चुका है। ये देखो कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इस सेब के पानी को अलग कर लेती हूँ और इसे मैं छान। ये मैंने एक गत्ता लिया है और ये मैंने एक थाली ली है। थाली को मैंने डोंगे के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं एक केक का पीस उठाऊंगी और इसके ऊपर रख लूंगी। मैं थोड़ी सी क्रीम लगा दूंगी और इसे मैं इस प्रकार से रखूंगी लिया छान के। और ये मेरी चाशनी है। अब मैं इसमें से ये चाशनी लेके नी केक के ऊपर डालूंगी। इसके किनारों पे भी अच्छे से डाल दूंगी मैं। अच्छे से केक पे चाशनी डाल दी है। अब मैं इस पे क्रीम लगाऊंगी। और मैं इस पे हल्की हल्की क्रीम को फैलाऊंगी। ये मैंने अच्छे से फैला दी है इस पे। अब मैंने जो ये सेब लिया है ये मैं इस पे फैला दूंगी। इस पे ये दूसरा केक रख दूंगी। अब मैं इसमें फिर से ये चाशनी डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर फिर से क्रीम डालूंगी। और इसे मैं फैला दूंगी बिल्कुल हल्के हाथों से। मैं इस पे फैलाऊंगी क्रीम को। और अब मैं इस क्रीम को थोड़ा सा साइड में भी फैला लूंगी। और ये मेरे सारे केक पे क्रीम लग चुकी है की मदद से इसे अच्छे से फैला दूंगी।
ये हमारी सारी क्रीम लग चुकी है। अब मैं टिश्यू पेपर से ये एक्स्ट्रा क्रीम हटा देती हूँ। अब मैं केक की थोड़ी सी सजावट करूंगी। ये थोड़े से मेरे पास नट्स पड़े हैं, ये डाल रही हूँ। ये मैंने सारे में अच्छे से लगा दिए हैं। मैंने ये चॉकलेट सिरप लिया है, अब मैं ये चॉकलेट सिरप डालूंगी। अब मैंने पॉलिथीन के अंदर क्रीम डाली है और अब मैं इसे थोड़ा सा सजा दूंगी क्रीम से। अब मैं इसमें ये जेम्स लगाऊंगी। ये हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।